नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ललितपुर थाना कोतवाली जनपद ललितपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि अज्ञात नकाबपोश महिला द्वारा 5 वर्षीय बालक आशीष उर्फ कालू पुत्र कल्याण चंदेल निवासी आराम मशीन के पीछे नेहरू नगर को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है। घटना के संबंध में कोतवाली ललितपुर में प्रकरण क्रमांक 196/22 धारा 363 भादवी पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर अपहरण बालक की बरामदगी हेतु कोतवाली ललितपुर SOG और सर्विलांस टीम को निर्देशित कर जनपदीय पुलिस की टीमों का गठन किया गया और जनपद झांसी की SOG और सर्विलांस टीमों को भी खोज में लगाया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त CCTV फुटेज के आधार पर संभावित स्थानों पर नकाबपोश अज्ञात महिला और बालक की तलाशी की गई। पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक द्वारा स्वयं विभिन्न जगहों पर जाकर CCTV फुटेज खंगाले गए। अंत में SOG सर्विलांस कोतवाली ललितपुर और मणामरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन में दिनांक 7 अप्रैल 2022 को थाना मणामरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनगांव निवासी होमगार्ड शंकर बरार पुत्र डरूलाल के घर से अपहरण बालक आशीष को सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पुत्र जगतदेव की शादी को लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। तंत्र विद्या से नाबालिग बालक की बलि देने से संतान की प्राप्ति करना था। दामाद जितेंद्र पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी गोविंद नगर ने अपने मोहल्ले की गीता उर्फ चंदावली वाली पत्नी फूलचंद्र निवासी गोविंद नगर से 80,000 रुपये में बच्चा दिलाने का सौदा किया था। गीता उर्फ चंदावली वाली ने ही दिनांक 4 अप्रैल को चेहरा ढककर नेहरू नगर से आशीष का अपहरण किया था। गीता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, लेकिन पुलिस टीमों के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस का प्रयास जारी है, जबकि शंकर बरार पुत्र डरूलाल, जगतदेव पुत्र शंकर बरार, इंदिरा पत्नी जगदेव निवासी रनगांव थाना मंडावरा ललितपुर और जितेंद्र उर्फ जित्तू पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी गोविंद नगर कोतवाली ललितपुर को गिरफ्तार कर अपहरण बालक को सकुशल उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। क्या हुआ है बरामद क्या सर, इसमें क्या क्या बरामदगी क्या है पूरा? सोमवार को 4 तारीख को जनपद ललितपुर के थाना कोतवाली के नेहरू नगर क्षेत्र से करीब 5 साल की उम्र का एक लड़का आशीष, उसको किडनैप कर लिया गया था एक महिला द्वारा। इस घटना के तुरंत बाद जनपद ललितपुर की पुलिस टीम जो है चौकन्नी हो गई, सतर्क हो गई। हम लोगों के द्वारा इस अपहृत लड़के की बरामदगी के लिए करीब 15 टीमें लगाई गई। 15 टीमों के द्वारा पिछले 2 से 3 दिन के अंतर्गत करीब 72 घंटों के अंदर में हम लोगों ने इस अपहृत बच्चे को हम लोगों ने रिकवर किया है, बरामद किया है। इस पूरे काम में करीब 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम जब हुआ है, इसमें एक महिला है, इनका नाम है गीता। इन्होंने जो है इस बच्चे को किडनैप किया था बेचने के लिए। ये जिस व्यक्ति को बेचा है, ये थाना मणावरा के रानी गांव का व्यक्ति है। ये इस वक्त होमगार्ड की नौकरी कर रहा है मदनपुर में। इसका नाम शंकर बरार है। इसने इस बच्चे को लिया था क्योंकि इसका जो बेटा था उसकी शादी को 16 वर्ष हो गए थे और उसको कोई संतान नहीं थी, तो इसी चक्कर में इसने इस महिला से बच्चे को खरीदा था। इस पूरे प्रकरण में कुछ 4 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। इसमें शंकर की पत्नी इंदिरा, इसके अलावा उसका बेटा दामाद जितेंद्र, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गीता जिस महिला ने बच्चे को किडनैप किया था वो अभी भी फरार चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर कितने की वही खरीद पर रोक? ये करीब 80,000 रुपये की कीमत जो है इनके द्वारा बताई गई। सर क्या इसके इसके इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि इन लोगों द्वारा नवरात्रि के दौरान कुछ पूजा पाठ और उस तरह की चीज़ में तांत्रिक तरीके से इसकी बलि देने की बात भी सामने आई है। इसीलिए जो है इसमें धाराओं को उसी हिसाब से हम लोगों ने बढ़ाया है ताकि इस चीज़ को भी इंकॉर्पोरेट किया जाए। अभी सर बरामद क्या क्या हुआ है? इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बच्चा जो है हम लोगों ने रिकवर किया, बच्चे को बरामद किया है। बच्चे को जो है हम लोग विधि पूर्वक इनके माता पिता को सुपुर्द सर कोई क्या सर इनके अपराधी कुछ और हैं क्या सर? मामले अपराधी हैं, इसके पहले भी कुछ और अपराधी मामले लोग जो पकड़े गए? जो लोग पकड़े गए हैं उनका तो ये पहली बार था, उन्होंने पहली बार किसी बच्चे को खरीदा था। बट जिस महिला के द्वारा इनकी बच्चे की किडनैपिंग हुई है, हम लोग उसके पकड़ने के बाद पता लगाएंगे कि उसका क्या आपराधिक इतिहास है। क्योंकि अभी प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि शायद उसने पहले भी इस तरह की कोई चीज़ें की हुई, तो
वो किस तरह से कर रही थी, वो किसी गैंग की मेंबर थी या नहीं, उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। सर कोई गिरोह की आशंका है क्या? गिरोह की आशंका से पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, हो सकता है इस महिला के और भी कुछ लोग हों जो इसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हों। महिला की गिरफ्तारी के बाद इसमें जो है आगे के तार खुलेंगे। ठीक, थैंक यू। नाबालिग बच्चा का अपहरण हो गया था, पुलिस ने बरामद कर लिया, क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, सभी पत्रकार बंधुओं के बारे में अगर बात कहें तो जिस प्रकार से इन लोगों ने काम किया है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आज हमारे पास हमारा बच्चा, हमारा भतीजा उपलब्ध है, तो प्रशासन और पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, हर व्यक्ति ने मदद हमारी की है। और जहां हम लोग भी, कई लोग हमारे जो घर के थे, समाज के थे, वो लोग भी कई जगह घूम रहे थे, तो हर जगह हमें पुलिस मिली है। वो पुलिस वाले हमसे पूछते क्यों बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, हम कैसा, हम इस काम के लिए आए हैं, तो हर जगह पुलिस हमें मिली है। प्रशासन की वजह से हमारा बच्चा हमारे आज घर पर पहुँचा है, आज हमारे हाथ में है। ललितपुर से खबर समय जगत के लिए सुनील सैनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।